guys, welcome back to another video lecture on Archbinum. So as you can see on the screen, we are going to start with a super fresh topic, super new topic, and that is phylum Arthropoda. Okay? Now before starting with this topic, I want to make one thing clear about the last video jahan par humne discuss kiya tha reproduction in leech. To ek bar ye video ko aap dekho, 11th segment se leke 22nd segment tak ye jo bhi aapko sacs dikh rahe, these are all testis sacs. ठीक है, right? तो यू गाइज नो दैट उस दिन यही वीडियो मुझे एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स बनानी पड़ी थी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यू एंड आई वॉज हाईली फ्रस्ट्रेटेड. जिन जिन लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी होगी दे विल नो दैट आई वॉज हाईली फ्रस्ट्रेटेड दैट डे बिकॉज आई हैड टू मेक द सेम वीडियो मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, तो उन चक्करों में व्हाइल रिव्यूइंग द वीडियो एक छोटा सा एरर मुझे पता लगा एंड दैट वॉज दिस ओनली जो मैंने वीडियो में बताया है. यहां पर मैंने इस वीडियो में कहा है कि टेस्टिस सैक स्टार्ट होते हैं 11th सेगमेंट में एंड एंड होते हैं 22nd सेगमेंट में, विच इज नॉट करेक्ट. टेस्टिस सैक विल स्टार्ट फ्रॉम द 22nd सेगमेंट, सॉरी, टेस्टिस सैक विल स्टार्ट फ्रॉम द 12th सेगमेंट एंड एंड इन 22nd सेगमेंट. ठीक है, यही एक छोटा सा करेक्शन मुझे बताना था. कॉमेंट सेक्शन में भी मैंने कॉमेंट करके पिन कर दिया था कॉमेंट को, सो आई होप आपने वो देखा होगा. यही एक चीज मुझे लास्ट वीडियो के बारे में क्लियर करनी थी. सो या नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी न्यू टॉपिक एंड दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा. अभी आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके एग्जाम में यूजुअली ऐसे सोलो में नहीं आते. दिस इज यूजुअली कंबाइंड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फाइलम, सेम लाइक एनेलिडा में भी हमने यही बात डिस्कस की थी. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूजुअली कंबाइंड विद द क्लासिफिकेशन एंड आस्क फॉर योर लॉन्ग आंसर. ठीक है, लॉन्ग आंसर में ऐसे पूछा जाता है. तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम बहुत ही छोटे रखने वाले हैं बिकॉज इनका जो क्लासिफिकेशन फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा बड़ा रहेगा. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप छोटे लिखकर क्लासिफिकेशन पूरा लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ लेट अस डिस्कस ओनली द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है, प्रेजेंट एन अकाउंट ऑन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. राइट, नाउ दिस ग्रुप या फिर दिस फाइलम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ग्रुप इनहेबिटिंग लैंड, वॉटर एंड एयर. हेंस दिस फाइलम इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम या फिर लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. अब इनके सिमेट्री के बारे में बात करेंगे तो द ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म? सिमेट्री पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, मेक श्योर टू वॉच दैट. बट फॉर नाउ लेट अस टॉक अबाउट बायलेटरल सिमेट्री. तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है भाई, इस ऑर्गेनिज्म को इफ यू कट दिस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, यू गेट इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. अगर इक्वल हाफ आपको मिलेंगे सो दोज ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड टू बी बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स को भी ले लो, आप मेरा फेस ही ले लो. अगर आप मेरे फेस को एक सिंगल प्लेन से कट करेंगे विच पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, आपको राइट हाफ लेफ्ट हाफ इक्वल सेम मिलेगा. लाइक आईज, नोज, लिप्स इक्वली डिवाइड होंगे. तो सच ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड टू बी एज बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स एंड दैट सिमेट्री इज कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री. राइट, बट मेक श्योर टू वॉच सिमेट्री का वीडियो बिकॉज दूसरे टाइप के सिमेट्रीज भी होते हैं जो हमने वो वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. नो, वॉट डू यू मीन बाई ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स? ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके पास तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है. थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट. ठीक है, अब ये थ्री जर्म लेयर्स क्या है भाई? आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड इन दोनों के बीच में मीसोडर्म. ये तीन जर्म लेयर्स अगर प्रेजेंट रहेंगी तो सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स एंड ये लोग मेटामेरिकली सेगमेंटेड है. अभी मैंने तीन डिफरेंट पॉइंट्स में यहाँ ये लिखा है. यू कैन मेक अ सिंगल पॉइंट आउट ऑफ दीज थ्री लाइन्स. लाइक द ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड. आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आपको अलग अलग लिखना है तो आपकी मर्जी है भाई. ठीक है, अब इनके बॉडी के कवरिंग के बारे में बात करेंगे. सो द बॉडी इज कवर्ड विद अ थिक काइटेनस क्यूटिकल. थिक काइटेनस क्यूटिकल से इनकी बॉडी कवर्ड रहेगी विच फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द बॉडी सेगमेंट्स. नाउ द बॉडी सेगमेंट्स विल यूजुअली हैव पेड, लेटरल एंड ज्वाइंटेड अपेंडेजेस. तो इनके बॉडी सेगमेंट्स में आपको पेड, लेटरल एंड ज्वाइंटेड अपेंडेजेस दिख जाएंगे. नाउ आर्थ्रोपोडा का मतलब ही ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होता है. लाइक आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा मतलब अपेंडेजेस. सो उनका मतलब ही ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होता है. तो इनके बॉडी सेगमेंट्स विल यूजुअली हैव पेड,
lateral and jointed appendages. Clear है? Next we'll talk about the body cavity. अब इनकी जो body cavity है, it is hemocoel. इनका जो true coelom है, that is reduced and it is replaced with perivisceral hemocoel filled with blood. ठीक है? Now talking about the digestive tract इनका रहेगा complete. Now what do you mean by complete digestive tract? Complete digestive tract मतलब दो openings रहेगी, mouth and anus. माउथ के थ्रू खाना अंदर जाएगा, एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा. ठीक है, अब इनका जो माउथ एंड एनस रहेगा, दे आर प्लेस्ड PLACED प्लेस्ड एट ऑपोजिट एंड्स. राइट जी. नाउ टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहेगा. Dorsal heart and arteries are present but capillaries are absent. Now talking about their respiratory systems. अब respiratory system के पास देखो, मतलब दूसरे दूसरे different organisms will have different respiratory structures for respiration. Like for example, some of the organism respire through their general body surface. Like general body surface through diffusion ही respiration करते हैं. थोड़े forms such as aquatic forms have gills for respiration. Whereas terrestrial forms have trachea or book lungs. So that depends on organism to organism के वो कौन से structures use करते हैं for respiration. Next talking about their excretory system. The excretory system में consist of the following structures, जैसे हो गया malphigant tubule, green glands या फिर coxal glands. अब the sexes are separate. Now what do you mean by sexes separate? Sexes separate मतलब male organisms अलग रहेंगे, female organisms अलग रहेंगे. Sexual dimorphism is exhibited by several forms. Now sexual dimorphism मतलब external features देख के अगर आप बता सकते हो कौन सा male है कौन सा female है, that is called as sexual dimorphism. और phylum arthropoda के members के पास जो ये sexual dimorphism है, that is exhibited by several forms, several characters देख के या फिर several features देख के externally हम बता सकते हैं कि कौन सा male है कौन सा female है. Right? अब fertilization जो रहेगी, that will be internal fertilization. Development will be indirect, which consists of indirect development मतलब larval forms रहेंगे भाई, larval forms will be present. ठीक है, now parental care is well marked in the organisms of phylum arthropoda. So इसी के साथ हमारा answer end होता है. That was it for today's video. General characters इसीलिए छोटे रखे, starting में मैंने discuss कर लिया था. General characters are very small because this question is usually paired with the classification of phylum arthropoda. और classification थोड़ा सा बड़ा रहेगा इनका, so that is the reason why general characters मैंने छोटा ही रखा, ताकि classification हम अच्छे से कंप्लीट आंसर लिख सके. सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू गाइस. अगर वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज गिव इट अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी डाउट है या फिर कोई भी आंसर आपको चाहिए, कोई भी आंसर का वीडियो चाहिए, सो यू कैन रीच मी आउट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज @ARSH_BIONYMS. आप यहाँ मुझे DM कर सकते हो. इफ नॉट दिस, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. सो या गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.